टॉप बिज। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रश्री राजपूत और आज हम बात करेंगे एलईडी लाइट के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड इसे कहते हैं, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर स्मार्ट इंडिया की बात करें तो सभी चीजों में बदलाव आए हैं और इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में भी काफी बदलाव देखे गए हैं। एलईडी लाइट बहुत कम बिजली में ज्यादा रोशनी करती है। किसी भी साधारण बल्ब के मुकाबले एलईडी लाइट ज्यादा एनर्जी और लंबे समय तक चलती है। बिजली की बचत के साथ साथ इनका मूल्य भी कम ही होता है। एलईडी लाइट आउटडोर और इंडोर दोनों जगह काम आने वाली एक चीज है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप एलईडी का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, किस तरह के लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी और कैसे आप इस बिजनेस को करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आज के टाइम में एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है और जब से प्रधानमंत्री ने भी ऊर्जा बचाने के लिए एलईडी लाइट का प्रयोग करने के लिए कहा है, तब से बिजनेस भी इसका ग्रो कर रहा है। आज एलईडी बल्ब का हर जगह यूज हो रहा है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या कोई दफ्तर। ज्यादा रोशनी और कम वाट में चलने वाला ये बल्ब हमेशा डिमांड में रहता है। अगर आप भी खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एलईडी बल्ब एक अच्छा खासा बिजनेस आइडिया हो सकता है। अब क्या है इसके मैन्युफैक्चरिंग, चलिए आपको बताते हैं। आइए जानते हैं एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। एलईडी लाइट्स सेमीकंडक्टर मटेरियल द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, जिससे रोशनी पैदा होती है। अगर हम पारंपरिक बल्ब को एलईडी लाइट से कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि ये एलईडी बल्ब पारंपरिक बल्ब से कम ऊर्जा लेते हैं, यानी कि कम एनर्जी लेते हैं। एलईडी लाइट्स द्वारा लो एनर्जी खर्च करने के कारण ये बल्ब लोगों के बीच काफी फेमस हो चुका है। इसके अलावा अब सरकारें भी राज्यों और देशों के इन लाइटों के खरीद और इस्तेमाल को एनकरेज करती आ रही है। इसके डेली यूज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 2025 तक ये बिजनेस और भी मुनाफा कमाएगा और सफल बिजनेस की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मार्केट में इस बिजनेस का क्या स्कोप है, इसके बारे में जानना भी जरूरी है ताकि आपको पता चले कि इसकी मार्केटिंग वैल्यू क्या है। मार्केट स्कोप की बात करें तो इस बिजनेस के बहुत ज्यादा स्कोप हैं, क्योंकि आज लोग जागरूक हो चुके हैं, बिजली की बचत कर रहे हैं, जिससे एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। उसी तरह से इनकी डिमांड भी बढ़ रही है और एलईडी लाइट्स का बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए एलईडी लाइट बिजनेस के मार्केट में अच्छे स्कोप है। एलईडी बिजनेस शुरू करने की प्रोसेस क्या है, चलिए आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले आता है लोकेशन का चुनाव। किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसकी लोकेशन बहुत जरूरी होती है। तो सबसे पहले आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी लोकेशन तय कर लीजिए। अब आता है कि एलईडी लाइट का व्यापार कई तरह से किया जा सकता है। इसकी ट्रेडिंग से भी अच्छा खासा लाभ कमाया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी इलेक्ट्रॉनिक या जनरल मार्केट में एक दुकान किराए पर लेना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई ऐसी जगह है जो दुकान बन सकती है तो किराए का पैसा भी बचाने के लिए उस जगह पर ही दुकान कर ले। इस जगह की जरूरत फर्निशिंग के बाद आप यहां पर एलईडी बेचने का काम शुरू कर सकते हैं। अब बारी आती है कि ऐसे कौन से रॉ मटेरियल है जो एलईडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में काम आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है लेड चिप्स, रेक्टिफायर मशीन, हीट सिंक डिवाइस, मेटलिक कैप होल्डर, प्लास्टिक बॉडी, रिफ्लेक्टर प्लास्टिक ग्लास, कनेक्टिंग वायर, सोल्डरिंग फ्लक्स। ये सब जो रॉ मटेरियल है वो इस बिजनेस में, इस बल्ब को बनाने में आपके काम आएंगे। तो इस बिजनेस में लागत कितनी आएगी इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आपको ये जानना जरूरी होता है कि आखिर आप बिजनेस कितनी लागत में शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस को आप कम से कम 1 से 2 लाख के रुपए में शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अच्छे से चल गया तो आप हर महीने 20,000 से लेकर 3 लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस को करने में प्रॉफिट क्या हो सकता है। तो प्रॉफिट क्या है इस बिजनेस में, ये भी समझ लीजिए। ज्यादा डिमांड होने के कारण एलईडी लाइट बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है और मार्केट में आप इसे अच्छे दामों में भी बेच सकते हैं। अगर आप रिटेल में इनको बेचते हैं तो आप एक एलईडी लाइट पर 40% प्रॉफिट कमा सकते हैं, और अगर आप इनको बाजार में थोक विक्रेताओं को बेचते हैं तो ये 22% तक का प्रॉफिट आपको कमाकर देंगे।
इस बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपके प्रोडक्शन पर तय करता है। आप कितना माल बना रहे हैं और कितना माल बेच रहे हैं। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ज्यादा माल बनाकर मार्केट में बेचना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जिनकी आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने में जरूरत पड़ सकती है। इनमें सबसे पहले आता है MSME इंडस्ट्री, आधार रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये बेहद जरूरी है। इसके बाद आता है बिजनेस पैन कार्ड, ट्रेड लाइसेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC आपको लेना है, इसका सर्टिफिकेट लेना है, और फैक्ट्री इंस्टॉलेशन के लिए लाइसेंस आपको लेना है, MSME रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है और IEC नंबर आपको प्राप्त करना है। इसके बाद अब लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, क्योंकि LED लाइट्स मैन्युफैक्चरिंग करके एक ब्रांड के नाम से बेचनी है तो इसके लिए लाइसेंस लेना बेहद जरूरी है। LED लाइट का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जैसे कि LED बिजनेस कुछ जरूरी लाइसेंस देता है, जैसे कि इसमें सबसे पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट से इंडस्ट्री लाइसेंस लेना होगा, इसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम से बिजनेस लाइसेंस आपको हासिल करना होगा, और आखिर में आपको कमर्शियल बिजली कनेक्शन लेना होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अब तक इस बिजनेस को करने का मन बना चुके हैं तो ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपको इस बिजनेस में फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि आने वाले समय में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर आप भी LED मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर इस तरह के और कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।